यूपी के जनपद शाहजहांपुर के विकासखंड खुदागंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास चयन प्रणाली भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। ब्लॉक में बड़े पैमाने पर मोटी रिश्वत लेकर गरीबों को वंचित कर अमीरों को आवास देने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक ग्राम पंचायत अधिकारी को अपात्रों के आवास चयन करना जी का जंजाल बना हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर जाँच के बाद डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी महेश कांत पांडे को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और खंड विकास अधिकारी अजय कुमार शर्मा को पीडी अवधेश राम के माध्यम से नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बताते चलें कि विकासखंड खुदागंज की ग्राम पंचायत पलिया दरोबस्त में गरीबों को वंचित कर ग्राम पंचायत अधिकारी महेश कांत पांडे ने 56 आवास अपात्रों के नाम चयन कर दिए, जो आवास अब ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। डीएम उमेश प्रताप ने उसे निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत पलिया दरोबस्त में कई लाभार्थी आवास हेतु अपात्र होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत डीएम और परियोजना निदेशक से की गई थी। मामले में डीएम ने पीडी अवधेश राम शाहजहांपुर एवं खंड विकास अधिकारी अजय कुमार शर्मा से जांच लगभग 15 दिन पूर्व में कराई थी, जहां पीडी अवधेश राम एवं खंड विकास अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने आवासों की बिंदुवार जांच की। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के पक्के मकानों की पुष्टि हुई, जिस बाबत डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। टेन न्यूज़ के लिए खुदागंज शाहजहांपुर से नरेश सक्सेना की रिपोर्ट। नमस्कार।